नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 मार्च 2019 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पैरट फिश के बारे में। कंटेस्ट बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी जानकारी पहले डिस्कस कर लीजिए पैरट फिश के बारे में। देखो, कोरल इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पैरट फिश, मतलब जहाँ पर कोरल रीफ्स मिलते हैं वहाँ पर पैरट फिश पाई जाती है। लेकिन हमें फिलहाल लिमिटेड नॉलेज हासिल है पैरट फिश के बारे में कि कहाँ कहाँ पर पैरट फिश पाई जाती है और संख्या कम हो रही है पैरट फिश की, उसके रीजन्स क्या हैं, पैरट फिश के संख्या के कम होने के रीजन्स क्या हैं। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से पैरट फिश जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। तो ये हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की पैरट फिश के बारे में। कंटेस्ट अभी ये है, एक स्टडी सामने आई है, अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर पैरट फिश की संख्या कम ना हो, तो हमें इस बात पर बल देना होगा, जोर देना होगा कि कोरल इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित ना हो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में। तो हमें इनडायरेक्टली कोरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना होगा अगर हम पैरट फिश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखो, UPSC क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकती है, क्या पैरट फिश ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल शैलो वाटर में मिलती हैं? जी हाँ। अब आपको लगा होगा कैसे, देखो कोरल इकोसिस्टम में पैरट फिश मिलती है और कोरल रीफ्स आपको पता है कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल शैलो वाटर में। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि पैरट फिश भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल शैलो वाटर में मिलती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, एक इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर डिजास्टर का उतना गहरा असर नहीं पड़ता है, मतलब डिजास्टर का जो प्रभाव होता है उसे एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता रहता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर थी, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई? ये ऑर्गेनाइज की गई NDMA के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन कोलैबोरेशन रहा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और सबसे लास्ट में वर्ल्ड बैंक। कहाँ पे ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई थी? दिल्ली में। मकसद क्या था इस वर्कशॉप के ऑर्गेनाइज होने का? मकसद ये था, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उनमें डिजास्टर रिस्क को मैनेज करने के लिए जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। इसके अलावा डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ स्पेसिफिक एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें कोलैबोरेटिव रिसर्च की जा सकती है। और सबसे लास्ट में देखो, एक कोएलिशन है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कोएलिशन किस प्रकार से काम करेगा इस पर डिस्कशन करना और आने वाले 3 सालों में क्या प्लान होगा इस कोएलिशन का, इस बारे में भी चर्चा करना। देखो, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आपने सुना होगा, बता देता हूँ, UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है डिजास्टर रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए, इससे संबंधित काफ़ी सारे पॉइंट्स इस डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं। 4 पॉइंट्स हैं, 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर UPSC ये पूछे कि सेंदई जो फ्रेमवर्क है किससे संबंधित है, चाइल्ड लेबर से संबंधित है या फिर वुमन एम्पावरमेंट से संबंधित है, टेररिज्म से संबंधित है? नहीं, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 9 है वो भी डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को रिकोगनाइज करता है। देखो, इस प्रकार की पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुई थी जनवरी 2018 में। और जब 2016 में एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑर्गेनाइज हुई थी न्यू दिल्ली में, तो उस समय इंडिया ने अनाउंस किया था क्रिएशन ऑफ CDRI। CDRI क्या है? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, 2 फैक्ट्स आप इंपॉर्टेंट NDMA के बारे में भी याद रखिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसने इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर। एक तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये अथॉरिटी आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम।
दूसरा, हेड कौन है इस अथॉरिटी का? हेड है प्रधानमंत्री, पीएम। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और जो एसडीएम में है यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर यानी सीएम। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस के बारे में है। देखो, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एथनोलॉग डेटाबेस क्या है। एथनोलॉग डेटाबेस जो है वो वर्ल्ड में लिविंग लैंग्वेजेस के बारे में बताता है। और ये डेटाबेस कौन पब्लिश करता है? देखो, इसे सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1951 में SIL इंटरनेशनल के द्वारा। ये SIL इंटरनेशनल क्या है? ये US बेस्ड क्रिश्चियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल एथनोलॉग डेटाबेस पब्लिश करती है, जिसमें बताया जाता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है। इनके डेटाबेस को एकेडमिक्स के द्वारा और बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा ट्रस्ट किया जाता है। हाल ही में इन्होंने जो डेटाबेस रिलीज़ किया, उस डेटाबेस में इनके द्वारा बताया गया कि वर्ल्ड में फ़िलहाल 7111 नॉन लिविंग लैंग्वेजेस हैं। और टॉप 10 बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं, उनमें दो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और दूसरी बंगाली। टॉप 25 की बात करें तो 11वें नंबर पे मराठी, 12वें नंबर पे तेलुगु, 19वें नंबर पे तमिल, 20वें पे उर्दू, 24वें पे गुजराती, 25वें पे भोजपुरी। यहाँ पर एक बार आप इस इमेज पे भी नज़र डाल लीजिए, लैंग्वेज विद मोस्ट नेटिव स्पीकर्स। देखो, वैसे तो इंग्लिश आप भी बोल लेते हो, लेकिन आप में से कई लोग नेटिव स्पीकर हिंदी के हैं, कई लोग मराठी के हैं, कई लोग कन्नड़ के भी होंगे। तो नेटिव स्पीकर मतलब बचपन से ही आपने जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना सीखा हो। अब देखो, स्कूल में जाने के बाद तो फॉरेन लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है ना अलग से, उसकी वो सेकेंडरी लैंग्वेज हो सकती है, टर्सरी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन शुरुआती बचपन से ही अगर किसी ने जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीखा है तो वो उस लैंग्वेज का नेटिव स्पीकर होगा। तो मैंड्रिन चाइनीज के जो नेटिव स्पीकर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पे स्पेनिश के, तीसरे नंबर पे इंग्लिश के और चौथे नंबर पे हिंदी के। लेकिन वैसे स्पीकर्स की बात करें, मतलब नेटिव स्पीकर्स की बात ना करें, ओवरऑल स्पीकर्स की बात करें, देखो इंडिया में आपको पता है कितने सारे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर इंग्लिश के बिल्कुल नाम मात्र के इंडिया में आपको मिलेंगे। तो अगर नेटिव स्पीकर्स की बात ना करें, ओवरऑल स्पीकर्स की हम बात करें, तो इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पे आता है नंबर मैंड्रिन चाइनीज का, तीसरे नंबर पे हिंदी का, चौथे नंबर पे स्पेनिश का। ये टॉप 10 लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, बंगाली, पोर्टुगीज, रशियन, जैपनीज और सबसे लास्ट में लांडा। लांडा लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? ये पाकिस्तान में बोली जाती है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ट्विन पीट सिस्टम के बारे में है। ट्विन पीट सिस्टम से संबंधित एक रिपोर्ट सामने आई है। गवर्नमेंट कमीशन सर्वे था, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्वे करवाया गया स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। उस सर्वे में ये बात सामने आई, अभी भी 26% जो रूरल टॉयलेट्स हैं वो ट्विन पीट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये ट्विन पीट सिस्टम क्या होता है? देखो, दूर दराज के गांव में आपको पता है सीवरेज व्यवस्था तो वहां पे होती नहीं है। तो मान लीजिए टॉयलेट है, टॉयलेट से एक पिट अटैच होता है, ह्यूमन वेस्ट जो है वो उस पिट में जाता है और मैनुअली उस ह्यूमन वेस्ट को पिट से बाहर निकाला जाता है। लेकिन एक स्टिग्मा अटैच है तो विशेष जाति के लोगों को कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है ये काम करने के लिए। लेकिन देखो, सरकार ने पिछले काफ़ी समय से इस बात पर फोकस किया है कि टॉयलेट के साथ एक पिट जोड़ने के बजाय दो पिट को जोड़ा जाए, ट्विन पिट सिस्टम होना चाहिए। अब देखो, ट्विन पिट सिस्टम में क्या होगा, जब एक पिट भर जाएगा तो जो ह्यूमन वेस्ट है वो दूसरे पिट में जाने लगेगा। यहाँ पर देखो, एक पिट में मान लीजिए पूरा ह्यूमन वेस्ट भर गया तो बाकी जो ह्यूमन वेस्ट है वो दूसरे पिट में जाने लगेगा। अब एक दो साल तक ह्यूमन वेस्ट एक पिट में रहेगा तो वो डीकम्पोज हो जाएगा अपने आप, वो ह्यूमन वेस्ट जो है वो मेन्योर में यानी खाद में तब्दील हो जाएगा। खाद में तब्दील हो जाएगा तो उसे एज ए फर्टिलाइजर
इस्तेमाल किया जा सकेगा खेत में, और जो स्टिग्मा अटैच होता है कि ह्यूमन वेस्ट को हम बाहर नहीं निकालेंगे, वो स्टिग्मा भी नहीं रहेगा, पर्टिकुलर जाति के लोगों को मजबूर नहीं किया जाएगा पीट से ह्यूमन वेस्ट को निकालने के लिए, क्योंकि पीट में एक दो साल रहने के बाद वो ह्यूमन वेस्ट जो है वो तब्दील हो चुका होगा मेन्योर में यानी खाद में। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया ट्विन पीट सिस्टम के बारे में। थोड़ी सी जानकारी वैसे और भी है यहाँ पर, पीट की जो दीवारें हैं वो मक्खी के छत्ते की तरह होती हैं, और जो फर्श है पीट का वो देखो मिट्टी से बना होता है, ताकि जो पानी है वो नीचे रिस जाए, जमीन के नीचे चले जाए। तो ये दो बातें हैं पीट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दीवारें मक्खी के छत्ते की तरह होती हैं और फर्श जो होता है वो मिट्टी से बना होता है, ताकि पानी जो है वो जमीन के नीचे चले जाए। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट देखो, सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज पिछले एक साल में सुर्खियों में रही हैं उनके बारे में हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अजय वारियर एक्सरसाइज, ये आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और यूके की मिलिट्री के बीच कंडक्ट हुई। मित्र शक्ति, इंडिया और श्रीलंका की मिलिट्री के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। हैंड इन हैंड, इंडिया चाइना के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। शक्ति फोर्थ, इंडिया और फ्रांस के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। सूर्य किरण 13th, इंडिया और नेपाल के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। लेमिते, ये इंडिया और सेशल्स के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। अल नागा, हाल ही में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इंडिया और ओमान के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। कुवरिन, ये इंडिया और मालदीव के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। गरुड़ शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार 2018, यूएसए और इंडिया के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएसए के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। परबल दोस्ताइक, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। काजिंड, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। मैत्री, इंडिया और थाईलैंड के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। धर्म गार्डियन, इंडिया और जापान के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। अग्नि वॉरियर, इंडिया और सिंगापुर के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। बोल्ड कुरुक्षेत्रा, इंडिया और सिंगापुर के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। IMBEX, इंडिया और म्यांमार के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। खंजर, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। इंद्राम, इंडिया और रशिया के बीच जॉइंट बाय एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहले देखो सिर्फ आर्मी के बीच कंडक्ट होती थी, लेकिन आपको याद होगा हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, मतलब रशिया की तीनों आर्म्ड फोर्सेस आई और हमारे देशों की भी, हमारे देश की भी तीनों आर्म्ड फोर्सेस आई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इंद्रा एक्सरसाइज में। तो ट्राई आर्म्ड फोर्सेस एक्सरसाइज है ये इंद्रा। नेक्स्ट मालाबार, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान की मिलिट्री पार्टिसिपेट करती है, नेवल एक्सरसाइज है ये। वरुणा, ये फ्रांस और इंडिया के बीच कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। सिलिनेक्स, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली एक्सरसाइज, नेवल। सिम्बेक्स, इंडिया और सिंगापुर, नेवल एक्सरसाइज है। इप्सामर, इप्सा में जो तीन कंट्रीज आते हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, वो तीन देश पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइज में, ये भी नेवल एक्सरसाइज है। कोंकण, इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली ये नेवल एक्सरसाइज है। उसके बाद ओसिंडेक्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली नेवल एक्सरसाइज। सहयोग काइजिन, इंडिया और जापान के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली, ये कोस्ट गार्ड्स के बीच ऑर्गेनाइज होती है, इंडिया के कोस्ट गार्ड्स के बीच और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच। उसके बाद विनबैक्स वन, इंडिया और वियतनाम के बीच नेवल एक्सरसाइज। इंड इंडो कॉर्पेट, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली नेवल एक्सरसाइज। समुद्र शक्ति, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली नेवल एक्सरसाइज। नसीम अल बहर, इंडिया और ओमान के बीच नेवल एक्सरसाइज। इंद्रधनुष और रेनबो फोर्थ, इंडिया और यूके के बीच एयरफोर्स एक्सरसाइज। गरुड़ फिफ्थ, इंडिया और फ्रांस के बीच एयर एक्सरसाइज। अवियंद्र, इंडिया और रशिया के बीच एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। कोप इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। रेड फ्लैग, इंडिया और यूएसए एयरफोर्स एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक, इंडिया और रॉयल ऑस्ट्रेलिया के एयरफोर्स के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज। ब्लू फ्लैग, इसराइल और इंडिया एयरफोर्स एक्सरसाइज। उसके बाद है सियाम भारत, इंडिया और थाईलैंड के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज। नेक्स्ट डेजर्ट ईगल सेकेंड, इंडिया और यूएई के बीच एयरफोर्स एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज,
ये इंडिया और ओमान के बीच ऑर्गेनाइज होने वाली एयरफोर्स एक्सरसाइज संवेदना, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूएई की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती हैं इस संवेदना एक्सरसाइज में। तो इस प्रकार से हमने ये सारी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने पैरट फिश के बारे में डिस्कस किया, हमने इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जाना, हमने मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस के बारे में जाना, हमने ट्विन पीट सिस्टम के बारे में जाना, इसके बाद हमने जाना ये सारी एक्सरसाइजेस के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।